बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार। इसी मिजाज को जानने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस धरा पर पहुंचे जो सत्ता का द्वार है। जी हां, मेवाड़ की धरा उदयपुर जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पर जेपी नड्डा ने पहुंचकर बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली और जानकारी के मुताबिक जीत का मंत्र दिया। लेकिन सुर्खिया बटोरी वसुंधरा राजे ने, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने या पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार किया है, लेकिन उदयपुर में जेपी नड्डा के साथ राजे की कुर्सी ने सबको चौंका दिया और सवाल सुलग रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे कोई खेला बीजेपी में कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ ही हफ्तों में होने जा रहे हैं। ऐसे में कई दिग्गज नेताओं की मुलाकातें सामने आ रही हैं, लेकिन उदयपुर में कुछ ऐसा हुआ कि राजस्थान की राजनीति का पारा चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अचानक असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के घर पहुंची थी और उनसे मुलाकात की। 40 मिनट से ज्यादा की इस मुलाकात ने कई सियासी चर्चाएं भी छेड़ी है। मेवाड़ जो कि गुलाब चंद कटारिया का गढ़ रहा है, कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद इस गढ़ पर सीएम अशोक गहलोत की भी लगातार नजर रही है। लगातार कई दौरे सीएम अशोक गहलोत ने किए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस गढ़ को कांग्रेस भेद पाएगी। चलिए अब आपको मेवाड़ की सीटों का हाल बता देते हैं। बीजेपी 15, कांग्रेस 10 पर काबिज, बीटीपी 2-1 पर निर्दलीय। मेवाड़ की स्थिति को देखकर 2023 के चुनावी मैच में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किसका होगा मेवाड़ और क्या उसी का होगा राज। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।